नमस्कार, मैं तनु और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। एनजीटी ने मेरठ सहित 6 जिलों पर लगाया आर्थिक जुर्माना। प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने सख्त कार्रवाई की है। एनजीटी ने नदियों को प्रदूषित करने के मामले में मेरठ समेत 6 जिलों पर 8,07,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी ने सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की है। कहा जा रहा है कि 27 नदी नालों में हिंडन, कृष्णी व काली नदी के प्रदूषण का कारण मानते हुए यह जुर्माना लगाया है। दरअसल बीते दिनों एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी ने दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी। एनजीटी द्वारा सभी नदियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। महीने के तीसरे सोमवार को नदियों के प्रदूषण को लेकर समीक्षा करते हैं। एनजीटी ने नदियों को प्रदूषित करने के मामले में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली समेत 6 जिलों पर 8,07,00,000 का जुर्माना लगाया है, लेकिन सहारनपुर के प्रयासों को देखते हुए उसे जुर्माने से मुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे ईमानदार देश है न्यूजीलैंड, भारत का नंबर 86वां। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के देशों में अभी भी बेहद खराब है। अगर बात करें पाकिस्तान और चीन के, पेंचिंग में भारत के मुकाबले कम भ्रष्टाचार है, जबकि पाकिस्तान आकंठ करप्शन में डूबा है। कोरोना काल के दौरान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस सर्वे में न्यूजीलैंड नंबर 1 और डेनमार्क नंबर 2 पर है। 180 देशों के समूह में भारत 86वें नंबर पर है। रिपोर्ट में यह बात भी निकलकर सामने आई है कि जिन देशों में कम भ्रष्टाचार है, वह कोरोना से ज्यादा कारगर तरीके से निपटने में सक्षम रहा है। हांगकांग पर चीन और ब्रिटेन में बड़ी तकरार। बीजिंग बोला, ब्रिटिश पासपोर्ट को नहीं दी जाएगी मान्यता। हांगकांग को लेकर चीन और ब्रिटेन में तकरार बढ़ गई है। लंदन ने चीन नियंत्रित इस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खोलने के लिए ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट का प्रस्ताव दिया, तो बीजिंग ने कहा कि वह इस पासपोर्ट को मान्यता नहीं देगा। हांगकांग में चीन की दमनकारी नीतियों का ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश विरोध कर रहे हैं। चीन ने लोकतंत्र समर्थकों पर अंकुश पाने के लिए हांगकांग में बीते वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोप दिया था। ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि बीएनओ पासपोर्ट के लिए 31 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पासपोर्ट के लिए हांगकांग के करीब 54,00,000 नागरिक पात्र होंगे। व्हाट्सएप से फैल रहा खतरनाक मेलवेयर, मैसेज करने वाले भी हो जाएंगे शिकार। एक खतरनाक व्हाट्सएप मैसेज आपके फोन में वायरस इंस्टॉल कर सकता है। यह इतना खतरनाक है कि आपके मैसेज करने वाले दोस्त भी इसका शिकार बन सकते हैं। एक बार आपके फोन में यह मेलवेयर आया तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाले लोगों को यह ऑटोमेटिकली रिप्लाई के रूप में चला जाएगा। एक मशहूर सिक्योरिटी रिसर्च ने एक वीडियो के जरिए इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मेलवेयर एक प्रकार का एंड्रॉयड वॉर्म है। यह आपके फोन में एडवेयर अपलोड करता है और व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक मैसेज के जरिए फैलता है। यानी अगर आपको यह मेलवेयर लिंक मिला है और आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो पहले यह आपके फोन में डाउनलोड होता है, फिर जो भी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा उसे भी यही लिंक खुद चला जाएगा। इस तरह ये आगे फैलता चला जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन फरवरी के पहले हफ्ते से, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को भी लगेगा टीका। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसमें पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत वे लोग शामिल होंगे जो कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे हैं। फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में बनाया ताजमहल जैसा ऑफिस। साल 2020 से लेकर अब तक कोरोना महामारी ने नौकरी करने वाले लोगों को घर से काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम खत्म होने लगा है, लेकिन अब भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ कई कंपनियां साल भर के बाद ऑफिसों को मेंटेन करने में जुट गई हैं, ताकि ऑफिस वर्क शुरू किया जाए तो कर्मचारियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इस सिलसिले में दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट काफी आगे निकल चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपने कर्मचारियों के लिए नोएडा में एक ताजमहल ही बना दिया है। पर्दे पर राम सीता बनेंगे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। प्रोड्यूसर मधु मंतेना जल्दी ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण की शुरुआत करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो 3D फॉर्मेट में बन रही इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए होगा। फिल्म की कास्ट भी फाइनल होने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राम के रोल के लिए ऋतिक रोशन और सीता की भूमिका के लिए दीपिका पादुकोण के नाम रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। दंगल फेम डायरेक्टर नीतीश तिवारी इस फिल्म को निर्देशित कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।